प्रखंड मुख्यालय, महानगर मुख्यालय, नगर परिषद और नगर पंचायत मुख्यालय पर NRC, NPR और नागरिकता कानून, बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक मंदी और बिहार में जो अपराध का राज बढ़ता जा रहा है, इसके खिलाफ हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का धरना का काम, प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। हम इस मंच से धन्यवाद देना चाहते हैं पटना महानगर के राजद अध्यक्ष महताब साहब को कि आपने यहाँ पर जो धरना आयोजित किया है, यह धरना मैसिव है, सफल है, जानदार और शानदार है। यह विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने नागरिकता कानून, NRC, NPR को लागू कर करके एक भारत में संशय की स्थिति पैदा कर दिया है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह और 21 हमारे संविधान की धारा 21 में कहा गया है कि हर व्यक्ति और हर नागरिक को अपने ढंग से जीने का अधिकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो यह कानून लाया है, यह कानून न सिर्फ विभेदकारी है, विभाजनकारी है, संविधान के प्रतिकूल है, संविधान के है, और हमारी जो एकता और अखंडता है, इस एकता अखंडता के तहत हम नारा लगाते रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उसके खिलाफ है। इसलिए हम लोग पूरी ताकत के साथ इसका हम लोग विरोध करेंगे। हरियाली पैदा करो, तब यह हरियाली तुम्हारा सफल होगा। तुमने यात्रा पिछले दफ़े भी मानव श्रृंखला लगाया था, और उस मानव श्रृंखला कौन सी पर भाई? शराबबंदी पर। अब शराबबंदी है, लेकिन शराब का होम डिलीवरी और होम डिलीवरी से लेकर के बेड डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी और बेड डिलीवरी। हम बॉर्डर पर रहने वाले हैं, हम सीतामढ़ी सोनवर्षा के लगे हुए हैं, प्रतिदिन प्रति रात एक पिकअप में शराब वहां से भेजा जाता है। 25,000 घूस बॉर्डर पर रहने वाले जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी ले रहे हैं, तो वो हमने पूछा कि क्या बात है भाई, तो RCP है। RCP तो रेवेन्यू कलेक्शन प्रोग्राम जनता दल यू JDU का जो रेवेन्यू कलेक्शन प्रोग्राम, जिसको हमारे महताब साहब RCP कहते हैं, उसके तहत RCP रेवेन्यू कलेक्शन प्रोग्राम के तहत आज मतलब कि ये सब हो रहा है। ठीक, आपको जान करके हैरत होगा कि इतने लोग मतलब कि शराबबंदी में गिरफ्तारी हुई है, तो माफिया जमानत पर छूट रहा है और दलित का बेटा जेल में जेल काट रहा है। यही है नीतीश कुमार का राज। तो हम लोग नीतीश कुमार से भी मुक्त होना चाहते हैं, और 2020 में तमाम लोगों के सहयोग और विश्वास पर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाना है, ताकि बिहार के गरीबों का वजूद बचा रहे।